नानी तू बाहर जाके ना अपनी आंखों का इलाज करा, तेरे को पता भी है अरिजीत सिंह कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी सिद्धू जी। अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर है, टीवी पे कम नजर आता है वो। तुम मैं कैसे उसको पहचानूंगी? और तू क्या बड़बड़ 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 करे जा रहा है? कम से कम दिखाई दे अरिजीत सिंह कौन है। अरिजीत सिंह ऐसे नहीं आएंगे, फिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत सिंह के लिए। ओहो अरिजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तुम ही हो, कितना गोलू गोलू सा है, बड़ा सोना है सच में। ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। अब तुझे बराबर से देख ली हूँ मैं, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर पप्पी मत लेना आप सिर्फ। फालतू बात कर दी है अभी। आज एक बार अरिजीत को देखा, कहती मैं नहीं भूलूंगी। नाना सारी उम्र साथ रहा है और मेले में छोड़ के आ गई, पता है? पुलिस वालों ने 10 नाना चेक करवाए, कहते ये इन्होंने नहीं पहचाना। फिर नाना बढ़कर आया, कहते यही है यही है यही है। तो बुराई क्या है? बुराई तो नाना पाटेकर को दिखी में, वो कभी नहीं बोलते, हमेशा यह बोलते अच्छा है अच्छा है। इसको देख कहते बुरी है बुरी, बहुत बुरी है। चुप कर, अच्छा ऑप्शन मिल रहा था तो क्यों छोड़ू। वैसे भी मैं क्या कह रही थी, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तू बड़ा शर्मीला है। जी वो तो हूँ। हाँ लेकिन यहाँ खुल के बात करना, ठीक है? वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुझे खोल दूंगी। ठीक है फिर चलती हूँ। अच्छा एक बार जोरदार तालियां अरिजीत के लिए। हट हट, मेरी बात सुन। How are you, my dear friend? God bless you. You're a wonderful thing. सच्ची सच्ची बोल जी, मुझे देख के तुझे कौन सा गाना याद आ रहा है बोल। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। अच्छा मैं सोच के रखता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है याद रखना, वापस आऊंगी। ठीक है ठीक है, बड़ी चिपकू हूँ। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत वेलकम, आइए। पारी बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेयर करके आया। ओह गॉड, सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था, 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले, और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए, और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको? मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड, हाँ बहुत मुश्किल से एक्चुअली, मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे, रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। भाजी अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी, हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके, इट वाज फॉर अ एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी, तरन्नम ने गाया था, सो शिल्पा ने गाया था। तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके, एंड देन मिथुन के मी द सॉन्ग जी, ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत जी, दैट वाज द सेकंड। बाद तो आपने लड़ी लगा दी एक पे एक हिट के बाद, फिर हो गया वैसे। चलिए बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आप पे। पाजी अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी जी। यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे हैं ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा?
अच्छा ये नहीं नहीं ऐसी ऐसी बातें आप मत करिए, वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके। चलो ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली कर दें। हाय हाय प्लीज। यहां कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं। वाह। यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुमारा है। क्या बात है, कहां से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं नहीं, हिंदी पंजाबी बंगाली इंग्लिश भी नहीं आती आती मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके? आई मीन ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत पंजाबी से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है। पत्नी से डरने हो गया ना, अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो आप ही तो फिर पूंछ नीचे दबा भगलो। और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, ये शादीशुदा लोगों का मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू भाजी का था। हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे। बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी। फ्लो फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा उनका आप देखो एक एक वर्ड को एक्सप्रेशन देके गाते हैं, लेकिन अरिजीत कभी कभी बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बनते हैं जिन पे शायद एक्सप्रेशन देके आना मुश्किल हो, जैसे कंदी पौ कंदी पै। तो इसको तो आप इंप्रोवाइज नहीं कर सकते कि नहीं? अरे अरिजीत जैसे फिल्मों में होता है कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोलते यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो, ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे गा देते हैं? नहीं एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि अ अ अ, तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं, चार ओ है जिसमें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनैलिटी देख के निकलेगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इंप्रॉम्प्टू होता है? पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा। नमस्कार, सिटी केबल में आपका स्वागत है। आप पूछ रहे होंगे सिटी केबल कैसे, ये रही सिटी और ये केबल सिटी है। मैं कत्रुगन सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता अपने खेला में जिसका नाम है केबल करोड़पति। और आज हॉट सीट पे बैठे हैं बहुत ही कूल सिंगर अरिजीत सिंह, तालियां। ए बेताले लोग, तालियां रिदम में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बस बस बस, मेरे खारिश हो रही थी। मैं तो इसलिए गया। अरिजीत जी हॉट सीट पे बैठे हैं तो क्या हम कमोड़ पे बैठे हैं? हमारा परिचय नहीं कराएंगे क्या? इसके पहले ये इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर पे आती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार फ्लो में निकल गया। ये है मोहल्ले की भाभी रिंकू देवी। मोहल्ले की नहीं, हम नगर की भाभी हैं। हमारे देवर का नाम है नगर। तेरी चुप का चाप मतलब खामोश। चुप का चाप का मतलब खामोश। रिंकू जी आपकी साड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है ना? आ रही है। आप इसको चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चेंज नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है। एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते हैं, चलता ट्रक 2 घंटे में सुखा देता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।